अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ ये वक्त नहीं है सारी बातें करने का। माँ हमें पहले गुनगुन को हॉस्पिटल ले जाना है, जंगल से बाहर निकलना है। माँ मोहन उसका हम सारा बंदोबस्त करके आए। माँ आइए। इंस्पेक्टर सर, इन्होंने मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश की है। प्लीज इन्हें ले जाइए और जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ाइए। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रही है आप? कितनी बेटा, हम मानते हैं क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी है, लेकिन हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, जेल मत भेजो हमें। कम से कम हमारे रिश्ते का लिहाज तो करो तुम लोग। रिश्तों का लिहाज तो आपने नहीं रखा मासी। आज से ना आप हमारी मासी है और ना हमारा कोई रिश्ता। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। अरे इस उम्र में हम जेल में कैसे रहेंगे? अरे इस उम्र में जेल जाएंगे तो हमारी धरती बाहर आएगी ना। अरे छोड़ दीजिए हमें, नहीं जाएंगे। अरे लेके जाइए इन्हें। नहीं जाने बेटा। चलो सीधा। उठो मोहन जी। मोहन जी नहीं जा रहे, छोड़ो हमें, नहीं जा रहे। मोहन जी छोड़ के, मोहन छोड़ो हमें, नहीं जा रहे। मोहन जी नहीं, मोहन जी। गुनगुन 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 बेटा, गुनगुन बेटा। मोहन जी, मोहन जी छोड़ो हमें। मोहन जी, मोहन जी। गुनगुन 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 की हार्ट बीट कम हो रही है, देखो ना जल्दी, देखो ना इसे क्या हुआ। गुनगुन 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 नहीं रखा, छोड़ो जी। राधा बेटा, सिर्फ गुनगुन को नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। हम सच कह रहे हैं, हम तुम्हें पागल खाने भेजना नहीं चाहते। एक वादा करते हैं हम तुमसे राधा, तुम पागल खाने से बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाओ। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। राधा, उस घर में जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी ना ही तुम्हारी बेटी की। हम वादा करते हैं तुमसे राधा, तुम जाओगी पागल खाने और तुम्हारी बेटी जाएगी उसकी माँ के पास ऊपर, और बिल्कुल उसकी माँ की तस्वीर के बराबर में लगेगी गुनगुन की तस्वीर और लगाकर। राधा राधा, हम मानते हैं तुम हमेशा हमेशा अपनी गुनगुन के लिए कवच बनकर खड़ी रहे, लेकिन कब तक? तुम चली जाओगी पागल खाने, फिर गुनगुन को कौन बचाएगा? तुम्हारे जाने के बाद आज ही हम गुनगुन को मौत के घाट उतार देंगे। मर जाएगी तुम्हारी गुनगुन, तुम्हारी बेटी कई और तुम गुनगुन की माँ। उसके नसीब में तो उसकी लाश देखने में नहीं। राधा रुक क्यों गए मोहन जी? मारिए ना, क्योंकि एक माँ के अपमान पर एक बेटी की ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। पर आज आप भी एक बात समझ लीजिए मोहन जी, जिस औरत को आप माँ समझकर आज तक पूछते आए हैं ना, जिनके हर एक वचन को आपने अपना धर्म माना, वो औरत माता नहीं कुमाता है मोहन जी। मोहन जी, माँ होने के बाद पर ना वो एक धब्बा है।
जी, वो जान लेना चाहती है हमारी बच्ची की। हम समझते कि उन्हें है मोहन जी। दादा तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया। हाँ उठाया हमने, बिल्कुल सही किया हमने। बहुत गलत किया है तुमने राधा। तुम कहती रही ना कि ये तुलसी नहीं दामिनी है। भरोसा किया ना मैंने तुम पर, मौका दिया तुम्हें, एक नहीं दो मौके दिए खुद को साबित करने के। कर पाई खुद को साबित नहीं ना। सब लोग कह रहे थे तुम्हें पागल खाने भेज दूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा मुझे आप सही। तुम तो ऐसी नहीं थी ना, दूसरों को दर्द में देखकर तुम्हें दर्द होता था। अब क्या करी हो तुम मुझे दर्द दे रही हो, गुनगुन को दर्द दे रही हो, तुलसी को दर्द दे रही हो। मेरी बाप पर हाथ उठाया तुमने, मेरे पापा को बालकनी से टका दिया। ये सारी चीजें नॉर्मल है क्या? हम पागल हैं, पर सिर्फ आपकी पागल। बोलिए ना मोहन जी, क्या देंगे हमारा हाथ? मिल गया हमें आपका जवाब मोहन जी। आज आपके इस मौन ने हमारे कानों में ऐसा शोर मचाया ना मोहन जी, जिसे हम अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि आपके छूने से ना मां पवित्र हो जाएंगे मोहन जी। क्योंकि प्रेम की जिस पराकाष्ठा को हमने पा लिया था ना मोहन जी, उसकी तो पहली कसौटी भी आप ठीक से पार नहीं कर पाए। सच्चे प्रेम को ना मोहन जी तर्क वितर्क व्याख्या आदि इत्यादि की जरूरत नहीं होती है मोहन जी। या तो प्रेम होता है या फिर नहीं होता। हमने ना आपसे प्रेम इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप हमेशा सही थे मोहन जी। हमने आपसे इसलिए प्रेम किया था क्योंकि आप थे। अगर आप गलत भी होते ना मोहन जी, तब भी हम आपसे प्रेम करते, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते, आपसे लड़ते झगड़ते, पर कभी भी आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ देते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।